एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरभो निरवैर कालमूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देता है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ली क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हैं ते महान धर्म दे सागर धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय चित। गुरु ते एक वादस करोड़ां दस कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे चे, नारायण जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना। गुरु दी अजमत दा पता ना, गुरु दी महानता दा पता ना, गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमृति दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या याद करो, चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते मैं दोहरावां शब्दां नूं, असीं ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है, समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए ते हुण मैं इह वी अर्ज करां, जन्म बच्चे दी तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे
महान रूहां का जन्म भी होया जिन्हों असी कह सकते हैं बुढ़िया की तरह जन्म होया। चीन देश कहिंदे ने लाहौत से जिहड़ा संत होया कहिंदे ने बुढ़िया की तरह पैदा होया। बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी तुसी ते जमदे ही ब्रह्म ज्ञानी। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया। तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन। गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठने की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लै के बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया बहुता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, इते धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इते आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक कद, कदी कदी जन्म सारियां दे बच्चे दी तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाएं संसार दे इतिहास विच कोई बुढ़ियां दी तरह पैदा होंदा है। चीन दे च कथा है भाई लाभ से बुढ़िया की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नु कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नु कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे सन, डुबे नहीं गर्क नहीं होए, समझ सी। जैसे पानी विच कमल डुबदा नहीं, जिहड़े मनुख संसार विच डुबन न, पदार्थां विच डुबन न, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे होए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिखदे ने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदा। उन्हां नूं कहिंदे ने इन्हां दा जन्म ते कमल तो है, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम देखां तैं डुबे आए, पहले पातशाह जी दा वाद, महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पए, डुबे पए। सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैरदे ने, गौआं भी तैरदियां ने, मझां भी तैरदियां ने, पानी विच चीते भी तैर के लंघ जांदे ने। मैं केरला विच देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे पिया कि नहा के बाहर निकला, हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौआं तैर दियां ने, घोड़े तैर रहे ने, मझां तैर दियां ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है?
ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਤੈਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਸਨਾਤਨ ਮੱਧ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਅਗਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਣ ਮਣ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਸ਼ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਤੈਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਜੀਵਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਦਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਬੈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ, ਕਮਲ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਧਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਪਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ, ਔਗਣ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਿਤਨੇ ਔਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨੇ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ।
इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु दी हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन गुरु, गुरु दी हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आणगे जिन्हां नूं गुरु दी हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे रसना तो यह बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने यह साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हां दा ध्यान उठे सी। वैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये स्रोत है, ये सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकेंड दे तीन घटनावां घटदिया ने एक कोई समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये स्रोत है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घटदियां ने। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटदी, एक सैकंड दे घटदी। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नूं समझ आ गई, इधर मन नूं समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे, ऐ ज्योत दे ज्योत हो गए। जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, होंदी इक छिन विच है। निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूट है। निमक निमक एक सैकंड है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक निमक, इनू अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा होए, गुप अंधेरा होए, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा, इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना। ते एक दम ही आज है, बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी। मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है। मैं नाम हुण जपां, फल अगले जन्म विच मिलेगा। साल दो साल बाद मिलेगा, इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत् छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी। मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी। लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़िया होवे बड़ा जोरदार,
ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਗਾ जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है हंकार देच काम देच क्रोध देच लोभ देच जीना पैगा इहदा कोई इलाज नहीं थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकता है बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता ते जीवन नूं छड़ नहीं सकदे इन्हां दे जीवना ही है यूरोप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश किया है जीवना ही है ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਖ ਨੇ ਸਿਪੀਆਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰਦੇ किसे किसे दे हाथा उपर उपर से वाकई मन दे ख्वाहिशा ने कामनावा ने वाशनावा ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लेंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा तन विच मन है मन विच सच तन विच मन है मन विच प्रभु है मन तों ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण खेड सारी पहचानन दी है पहचानन दी है जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है जिसनों मैं नहीं समझता वो नहीं है जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है जो मेरी स्मृति च नहीं वो नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे दो साल बाद ढाई साल बाद डेढ़ साल बाद बच्चे चल देने पैर पुट देने खड़े हो गए कि चार पांच साल दा बच्चा होवे ते बच्चा चले ना मां बाप नूं चिंता हो जांदी है गल की है बच्चा खड़ा नहीं होंदा पैर नहीं पुटदा चार साल दा हो गया पांच साल का हो गया डॉक्टरों को ले जाने वैद्य को ले जाने तीन साल का हो गया चार साल का हो गया मुंह अक्खर नहीं निकल बोलता नहीं मां बाप को चिंता हो जाती है जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है घर में खुशियां मनाइया घर में प्रसाद वंडते हैं मिठाइयां वंडते हैं नचते ने टपते ने बच्चा बोलन लग गए जिस दिन बच्चा कदम पुटे बच्चे ने कदम पुटे चलन लग गए चलो एक कदम ही सही कदम तो पुटे खड़ा तो होए कोई ती चाली साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द दी तरफ यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है गल की है इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे पंजाह साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु
वाहेगुरु नहीं जपदे गुरु नू भी चिंता हो जाती है, बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया बोलता नहीं पे, 30-35 साल हो गए ने इन्हू, ये चलता ही नहीं। चलना तो सुरत ने, जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मतिए, इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना ना लो। और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गाविए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन स्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। फिर तो उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया, मुंह बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नूं चिंता है, गल की है बोलता नहीं, डिगना की है ते चलना की है। सत्संग विच आया चल पिया, को संगत विच बैठा है डिग गया, सच बोले है चल पिया, झूठ बोल रहे डिग पे, दान कीता है चल पिया, बेईमानी कर रहे है डिग पे, अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पिया, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे। जिंदगी भर ये चलना डिगना, चलना डिगना, यही होता है। हाथ विच गुटका है चल पे है, पर गंदे गीत अलाप रहे है डिग पे। तुसी देख सकते हो चल देने डिग देने चल दे, सारी जिंदगी चल पैने डिग पैने, कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथो चले। हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, 40 साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने, 40 साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने, और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने, 40 साल पहले हंकारी सन अज भी हंकारी, खेड़ते कुछ भी ना बने, चले ने चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी किधरे भी। हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर तू मेरी बांह पकड़, ताई खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तारो, गुरु गोविंद सिंह जी हे प्रभु अपनी बाहां दे, अपनी बाह पकड़ा ते डिगण तो बची। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन, मनुख कोल जिहड़े कन ने ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज, मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहंदे जो तैनूं सुन सकदा, मेरे कोल ओ जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचदे ने, परिवार तक पहुंचदे ने, मित्रां तक पहुंच जांदे ने, पड़ोसियां तक पहुंच जांदे ने, ये प्रभु तेरे तक नहीं पहुंचदे। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा, पहुंच दिए गल रब तक। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है, जा का कहा दरगे चले। महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलना है, परमात्मा सुनना है,
गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवं नहीं बोलना, दे कन्न सुनो अरदास जी, मैं तेरे कन्न विच गल करनी है, थोड़ी कन्न तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने प्रभु सुनदा, क्यों उन्होंने बोल प्रभु तक पहुंचते हैं, दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल वो अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने, जो परमात्मा नू वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहिंदे ने ओ सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप किए ने, जिड़े जिड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी गैनी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुरु शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन, पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके, देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतों की मित्रता दुश्मनी च बदल जाती है। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नू तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे, पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड़ते सारी बोलां दी है, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैं अर्ज कर दें। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने, मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं, जिथे संबंध गूढ़े होवन कहिंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना वाहेगुरु वाहेगुरु ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावे पानी पिता है, भावे धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा। ऐसा कुछ बोलना है मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार, कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है, कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़दे ने, संसार नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने शब्द, ते जिड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़दे ने उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप विच मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो हुंदा है, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर ने गुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता, क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सयाण है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है, बोल दस देंदे।
हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। ये नेचर तक बंदा बोले ना कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिदे च निरंकार है। तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लग्या मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास कोल ले। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दे, शब्दां नूं खोल दे। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहिंदे अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गुंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। इत्थे सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना, भाई साहब कहिंदे देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनू देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तू दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बे को, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई। कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निद्र गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका, जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत, गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत, गुरमत में न मन, जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करेगा, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, कि जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनन वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहिंदा ठीक नहीं है, कि जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म, मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है, ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनू दे। और गुरु कहिंदा भी है, गुरु की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहिंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोहे मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिसम नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनूं बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उदों कहिंदा ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहिंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है, उते सारी गवा के आ गए। सतना का मतहीन, असियां का व्यवहार ना पावे, रही कित्थे। इसे वास्ते थानू
ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸੀਰਤ ਏ ਪੈਗੰਬਰੀ ਵਕਤੇ ਪੀਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਇਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਗਿਆੜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖੇ ਇਹ ਭੇਡੋ ਇਹ ਬੱਕਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਚ, ਪੈਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਪੀਰੀ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੇ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵਲ ਆਈਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੁਲ ਹੀਨ ਦੀਨ, ਕੈਸੇ ਬਹੁ ਨਾਇਕ ਕੀ ਨਾਇਕਾ ਕਹਾਈਏ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਥਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਪੱਥਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਉਮੀਦ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਔਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤਣੀ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਖਦੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ, ਖਦੀਜਾ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਦੀਜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ,
मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहिंदे ने हो आखो बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जीओ। मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोलना, पता नहीं परमात्मा की बोलता। जैसे मैं आवे कसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़ा। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उत्थों चली। खैर बाबा मस्जिद दे पहुंच गए, कतार दे खड़े हो गए। इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया। गुरु नानक खड़े खड़े जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल ये गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्ला ही गल्ला ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ी। महाराज कहन लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल दे घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी? हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी। कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीददे, कौन गुरु नाल जुड़दा? सब अपने अपने घोड़े खरीद रहे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां विच फसे पए होंदे। कभी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा है वो हाथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने। गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंडा इहदे कोल हाथ ही कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं, परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए ना, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगर टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा, घर जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी, कानून तो डरदा, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखता। बेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा से थोड़ी कर दे, बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होने। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है, भी बंदा काबले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने उहनूं कहिंदे ने भावना। कर भाव के, हथ बना भावना दे, पैर बना पै दे। परमात्मा का भय होवे पैर गलत पासे नहीं जाणगे, परमात्मा की भावना होवे हथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोइण सुरत करे। अखां बना ज्ञान दियां, समझ दियां, सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दियां अखां बना। लोइण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा, इस तरह मिलावा।
इकबाल कहिंदे ने दिले भी ना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इलम में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। ठीक है ज्ञान बार दा अक्षय ज्ञान उदे च भी कोई गल होवेगी पर रस तो ही नहीं कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही होता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नु बदल दे। अनुभव प्रकाश लोयन सुरत करे नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। जितने चिर तक समझ दी अखां नहीं ने गुस्ताखी माफ नेत्र ही ने भावना नहीं है ये टुंडा है पै नहीं है ये लंगड़ा है। अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गूंगा है ये तो गूंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता है तो बहरा है ये कितने सुनता है ये तो बहरा है। महाराज कहंदे ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। पहला पातशाह वाक सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे दाए। जो लंगड़ा है टुंडा है अंधा है बहरा है गुंगा है इनू परमात्मा कितों नसे। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन नहीं बच्चे कुल अंग नहीं है हाथ है कुछ नहीं कर सकता जबान है नहीं बोल सकता। सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है दूध मिलता है खुराक मिलती है एक दिन इसके हाथों च ताकत आउंदी कुछ करन लगता है। एक दिन इसके पैरों च बल आ जाता है चलन लग पैंदा है। एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है बोलन लग पैंदा है। शरीर दे इस सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के हर अमृत वेले वत्ते का भेजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना वाहेगुरु वाहेगुरु जपदया जपदया एक दिन वाहेगुरु दिखाई देन लग पैंदा है। एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देन लग पैंदा है। एक दिन उसका दामन हथां दे आ जाता है। एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे हैं। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा मनुख का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना हो वो अखा नहीं मिलनगियां जो परमात्मा नु वेख सकते हैं। वो कन भी नहीं मिलनगे जो सुन सकते हैं। वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस माण सकती है। यह भी मैं अर्ज कर रहा हूं भोजन की बुरकी मुंह ते रख रहे हैं स्वाद आ गया वाहिगुरु वाहिगुरु जपदया रस नहीं आया। क्यों अजे जबान विचों तौफीक नहीं है वरना वाहिगुरु आखण का भी अपना रस है। जिन्हों वाहिगुरु आखदया रस आवे साहब कहने परमात्मा की रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना वाहगुरु तो यदि जबान ते क्यों ये वाहगुरु आखदा रस नाल वर जाता है। ये बाणी जपदा है रस नाल वर जाता है। बाणी तो यदि रसना ते वस गई नाम तो इसकी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहगुरु वाहगुरु आखदया रस ना आवे अजे वाहगुरु रसना ते नहीं वसया। जितने चिर तक रसना ते नहीं वसया अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा परमात्मा ने दिखाई देगा संसार दिखाई देगा। कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी भोजन पहले जवान दा रस बनता है खून बाद विच बनता है मांस बाद विच बनता है हड्डियां दी ताकत बाद विच बनता है इंद्रियां दी शक्ति बाद विच बनता है। रस पहले भोजन दी बुरकी दा रस आ गया स्वाद ते पहले आ गया हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी पच के खून बनेगी मिंज बनेगी मांस बनेगी शरीर की ताकत बनेगी। वाहेगुरु आखदियां जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहेगुरु रसना ते दिवस है। अजे रूहानी शक्ति नहीं है
अजे अखां विच भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन। अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा, पर इतनी गलती स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं कोई रस नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसा। अजे हनोज दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति, अजे वेखना उस प्रभु नूं सुनना समझना अनुभव प्रकाश होते लंबी गल है। अजे ते आखदियां रस भी नहीं है, प्रभ जी वसे साध की रसना। जैसे रस आन लग पैंदा है रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना विच बरकतां आ जांदियां, बोलां विच बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां एक दिन कदमां विच क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां होंदा है। महाराज कहिंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकत, जे ओ कंचन नो हथ लावे खेउ सेती रल गया, सोने नो हथ पांदा मिट्टी हो जांदा, बणदे होए कम नो हथ पांदा डेरी हो जांदा। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नो छूंदे ने सोना, बिगड़े होए कम नो हथ पांदे ने सिरे चढ़दा। महाराज कहिंदे ने हथां च बरकत, पैरां दी सत्ते है। ये तां होंदा है जद पहले बोलां च बरकत आ जाए, प्रभु दा नाम रसना ते टिक जाए, साहिब रहमत करन बख्शिश करन, ए सौगात साडी झोली च पवे ताकि इस परम आनंद नूं असीं माण सकीए। इतनियां विचारां प्रवान कुल छुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।